जींद के सिविल हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग स्टाफ पूरी तरह से हड़ताल पर है और एनएचएम कर्मचारी पहले ही हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते सिविल हॉस्पिटल मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और समय पर एम्बुलेंस भी नहीं मिल पा रही। और वहीं निकाले गए आउटसोर्सिंग स्टाफ के कर्मचारियों ने हाजिरी पूरी करवाने के लिए 2,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि उनको बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया गया और रुपए लेकर दूसरों को नौकरी दी जा रही है। क्या घटना घटी आपके साथ? हमारी वो एब्सेंट लगाई गई थी, उसके लिए ना इन्होंने पैसे मांगे थे 2,000 रुपए, हम दे नहीं पाए, उसकी वजह से हमें नोटिस दिया गया, तुम ना मेडिकल से निकाल लिया। किसने आपको पैसे मांगे? सुपरवाइजर जी मारे। क्या नाम? सुषमा वीरेंद्र जी। तो आपको निकाल दिया गया? हाँ निकाल दिया जी, दो लड़कियाँ को, सोनिया को और राजवंती। क्यों काटा? ये पैसे मांग रही थी हमारे से, हमने पैसे नहीं दिए इस वजह से। तो बाकी हम दे रखे पैसे? हाँ तकरीबन सारे पैसे देते कर लग रही है, ऐसे करते एक के को निकालना है पैसे लेवा, एक को निकालना पैसे लेवा, जो पैसे दे देता उसको रख लेती है, ना देता है उसको निकाल। आपका शुक्रिया। राजवंती क्या मामला जी, क्यों उठाएगा आपको? मेरे से कई दिनों से मेरा एक लेटर निकाला गया तो इन्होंने, उस लेटर के बारे में बात खत्म हो गई थी पूरी, फिर इन्होंने मेरे को एक नोटिस दिया था कल, भाई कल से तू ड्यूटी पर नहीं आएगी। फिर मेरे से ये बोला गया था भाई 2,000 रुपये दे दे तेरे अटेंडेंस लगवा लेंगे, वो मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर मैंने मना कर दिया मेरे पास तो पैसे नहीं है, फिर बोले भाई कल से तू ड्यूटी पर मत आना, मैंने पैसे नहीं दिए इसीलिए मेरे को निकाल दिया। क्या नाम है जी आपका? सोनिया। विकास जी क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर स्ट्राइक कर रहे हैं? सर ये 2-4 हमारे मसले हैं, इसमें एक तो ईपीएफ का और ईएसआई का है जो कि पूरे कर्मचारियों का नहीं काटा गया। 15 ऐसे कर्मचारी हमारे ईपीएफ के जिनका खाता नहीं खोला गया, और जिनका खाता खोला गया है उनको ज्वाइनिंग तो है मार्च में, लेकिन उनका खाते में पैसे डलाने स्टार्ट किए हैं अगस्त से, जिससे इनको मतलब ज़्यादा नहीं कम से कम भी 20-25 हज़ार रुपये एक कर्मचारी को लॉस है। इसके खिलाफ आपने आवाज उठाई क्या? हमने मतलब अपने कई बार लेटर भी कंप्लेंट भी की है, एमएस ऑफिस में भी किया, सीएम ऑफिस में भी किया, डीसी साहब को भी हमने ज्ञापन सौंपा था, और इसका लेबर कमिश्नर कोर्ट में भी वहाँ कोई हमारा केस चला हुआ था, लेकिन हमारा कोई इसका मसला नहीं हुआ। कर्मचारी खराब अभी क्या कार्रवाई की गई? 2 कर्मचारी हमारे बिना किसी नोटिस के एलिगेंस लगाया सुपरवाइजर ने कि ये पैसे ले रहे थे, अपने आप लेटर लिखा एमएस ऑफिस में दे दिया और उनको हटा दिया गया। मेन मुद्दा हमारा यही है कि इनको वापस लिया जाए। किसको हटाया गया? एक सोनिया है, एक राजवंती है जो गायनी वार्ड में काम करती है। तो आप लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं सर, जब तक इनको वापस नहीं लिया जाएगा, 3 महीने हो गए, हमें सैलरी नहीं मिल रही है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार से सारे गरीब तबके के आदमी आते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने कर्मचारी हैं? 185 है सर। सारे स्ट्राइक इनको हटाने का मेन कारण क्या? मेन कारण यही है, इन्हें एलिगेंस लगा दिया सर, और दूसरी बात इनसे पैसे मांगे गए सर कि हमें 2,000 रुपये दो तो तुम्हारी हाजिरी लगा देगी, इन्होंने मना कर दिया तो मतलब इनको हटा दिया विदाउट किसी नोटिस के। ईपीएफ की आवाज़ उठाने की भी बात है? हाँ जी, ईपीएफ के बारे में हमने लेटर भी दिए हैं और डॉक्टर बोला सोल्यूशन करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। कम से कम भी ये मसला अभी तक का नहीं है, 1.5 साल पहले से चला आ रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी इस मैटर में कोई सुधार नहीं हुआ। क्या मांग है? हमारी मांग है कि तो हमारे 2 जो कर्मचारी हैं उनको वापस लिया जाए, हमारा ईपीएफ का जो पैसा है, और ईएसआई का तो कार्ड ही जनरेट नहीं किया गया सर किसी का, हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाए ईएसआई कार्ड पे फ्री इलाज होता है, वो ईएसआई कार्ड एक सिंगल पर्सन का भी वापस नहीं। स्ट्राइक कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी ये मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम ईएसआई के पैसे कटते हैं। ईएसआई के पैसे कटते हैं 4.75% करता है सर हमारी। क्या नाम आपका? विकास। आज कर्मचारी हड़ताल पे हैं, क्या क्या दिक्कत हुई आपको? आज दिक्कत है ना तो कोई एम्बुलेंस मिल रही, 1-1.5 घंटा मेरे को यहाँ खड़े हो गया, कोई एम्बुलेंस नहीं मिल रही। अच्छा। डॉक्टर ये कहते हैं भाई, मैंने कहा डॉक्टर इनको ज्यादा पेन हो रही है, पापा को दिक्कत हो रही है, साथी में दर्द हो रही है, बुखार भी आएगा, ना कोई परवरिश हो रही। उन्होंने सीधे ये जवाब दिया भाई, हम सारे ट्रीटमेंट करती है, मैं ट्रीटमेंट कर तो रही है, कोई इलाज तो नहीं हो रहा, नन को दर्द जा रहा, अरे यही कह रहे हैं बस हमने तो इलाज कर दिया, यहाँ हमारे बस का जो हमारे बस रेफर कर दिया। हाँ जी यहाँ रेफर कर दिया, अरे मेरे को 2 घंटे यहाँ खड़े हो गए, ना कोई एम्बुलेंस मिल रही है मेरे को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। कहाँ से? जींद पटियाला चौक से।